हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर नाइन्थ क्लास, और नाइन्थ क्लास के लिए हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर टिश्यूज़। और टिश्यूज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा काइंड के जो सेल्स होते हैं, दे यूनाइट टू फॉर्म ए सिंगल फंक्शन, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यहाँ पर कहते हैं। एंड ऑलरेडी हमने एक यू कैन से टाइप्स यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं, हमने बताया था दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो प्रीवियस लेक्चर था दैट इज अबाउट द जाइलम परमानेंट टिश्यूज़। तो अगर आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप उसको वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो लेक्चर है शुरू करते हैं फ्लोएम, विच इज आल्सो यू कैन से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर चार तरह के कंपोनेंट्स इसमें होंगे, विच यू कैन से यूनाइट टू फॉर्म ए सिंगल फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फ्लोएम है, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज इन यू कैन से इन फाउंड इन प्लांट्स, एंड इट कंडक्ट्स द ऑर्गेनिक फूड, कि जो फूड प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ यू कैन से प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, कि वहाँ पर ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, और वो ग्लूकोज फिर ये जो हमारे पास आप यहाँ पे देख रहे हो, दीज आर द यू कैन से सीव ट्यूब सेल्स, इनको हम बोलते हैं, क्या है ये, दिस इज द सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब सेल है ये, ओके, इसके थ्रू वो कंडक्ट होता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। जो फ्लोएम है, इट इज आल्सो कॉल्ड लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो सीव ट्यूब सेल है, कंपेनियन सेल है, पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये सारे कह दीज आर लिविंग सेल्स हैं, एंड इनका जो ट्रांसपोर्ट चैनल होता है उसमें सारे के सारे लिविंग सेल्स हैं। इसका मतलब जो सीव ट्यूब सेल्स हैं, दीज आर लिविंग सेल्स। क्यों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें न्यूक्लियस तो नहीं है, बट यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स आप देख रहे हैं, ओके, विच आर कंटिन्यूअस विद द सीव प्लेट्स, सीव प्लेट्स के थ्रू वो कंटिन्यूअस यहाँ पर होते हैं। नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड बास्ट, तो इट मीन्स जो हमारे पास फ्लोएम है, हम इसको बास्ट भी यहाँ पर कह सकते हैं। एंड फ्लोएम इज मेड अप ऑफ फोर टाइप ऑफ द एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट इज सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, सेकेंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, थर्ड एंड फोर्थ वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसका मतलब यहाँ पर चार तरह के हमारे पास यहाँ पर सेल्स अवेलेबल हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं, क्योंकि मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स और यू कैन से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंड दे यूनाइट टू फॉर्म ए सिंगल फंक्शन, और फंक्शन क्या है, टू कंडक्ट द ऑर्गेनिक फूड, ओके, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, हम इनको कहते हैं, बिकॉज दे आर कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ द सेल्स, ओके। नाउ कम टू द डिस्कस अबाउट द सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स वन बाय वन। सबसे पहले हम कहते हैं सीव ट्यूब्स, कि जैसा आप देख पा रहे हैं कि सीव ट्यूब का मतलब कि एक तरह का जो चैनल है उसको हम सीव ट्यूब बोल रहे हैं। ये एक सिंगल सीव ट्यूब सेल है, ये दूसरा सीव ट्यूब चैनल है, सीव ट्यूब चैनल है, दिस इज द थर्ड वन सीव ट्यूब सेल है, और इस तरह से ये एलोंगेटेड यूनाइट होके यहाँ पर इसके जो एंड्स होते हैं, यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनके एंड्स पे, एंड दे दीज आर कॉल्ड द सीव पोर्स। नाउ दे आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर लिविंग कंडक्टिंग चैनल्स ऑफ द फ्लोएम, इट इज फॉर्म्ड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द थिन वॉल्ड सीव ट्यूब सेल्स। इसका मतलब कि एक सीव ट्यूब सेल ये है, ये दूसरा सीव ट्यूब सेल है, और ये तीसरा यू ट्यूब सेल है जो हमने यहाँ पर दिखाया है सीव ट्यूब सेल। नाउ दीज आर परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब यहाँ पर ये परफोरेशन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, विच आर प्रेजेंट इन द यू कैन से सीव प्लेट, एंड एंड टू एंड इन ए लीनियर रो, तो एंड टू एंड एक लीनियर में ये एलोंगेट सेल्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। नाउ द ट्रांसवर्स एंड वॉल्स बिटवीन द एडजेसेंट सीव ट्यूब सेल्स आर परफोरेटेड एंड आर कॉल्ड सीव प्लेट्स, कि हम देख रहे हैं कि इसका एंड प्लेट ये है और इसका एंड ये है, तो दोनों यहाँ पर परफोरेटेड है, जिसको हमने क्या बोल दिया, सीव पोर्स यहाँ पर बोल दिया, और इन सीव पोर्स को हम क्या कह देंगे यहाँ पर, सीव प्लेट हम यहाँ पर इनको कह देते हैं। नाउ थर्ड, सीव प्लेट्स आर स्लाइटली बल्ज्ड आउट, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्ज आउट होती हैं, जिसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स हैव वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस डिजेनरेट, आप देख रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है लेकिन वैक्यूलेटेड, यहाँ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स आर कंटिन्यूस बिटवीन द एडजेसेंट सीव ट्यूब सेल्स थ्रू द पोर्स ऑफ द सीव प्लेट्स, कि हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रैंड्स हैं
ये सीव पोर्ट्स के थ्रू ऐसे कंटिन्यूस हैं। तो ये एक तरह का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चैनल और यू कैन से कंडक्टिंग चैनल यहाँ पर बना हुआ है विद द हेल्प ऑफ दी सीव ट्यूब सेल्स। ओके, एंड दी सीव ट्यूब सेल्स यूनाइट टू फॉर्म अ सीव ट्यूब जिसके थ्रू जो यहाँ पर फूड जो है वो कंडक्ट होता है। नाउ कम टू द सेकेंड यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, दैट इज कंपेनियन सेल। और कंपेनियन का मतलब होता है साथी। ओके, साथी का मतलब जो हेल्प करे। इसका मतलब क्या होगा, जब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इस सेल के सीव ट्यूब सेल के फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है? बिकॉज हम ये सब जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल। कि सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट होती है या जो भी चेंजेज आते हैं सेल के अंदर, जो भी कंडक्शन वर्क होता है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियस। बट न्यूक्लियस इज अब्सेंट है, डिजेनरेट हो जाता है, फिर इसके फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द यू कैन से कंपेनियन सेल। देखिए, जो कंपेनियन सेल्स हैं दीज आर थिन वॉल्ड सेल्स विच लाई ऑन द साइड्स ऑफ द सीव ट्यूब सेल्स। तो आप देख रहे हैं कि साइड में यहाँ पर ये लाई करते हैं, एंड दीज सेल्स आर कनेक्टेड टू सीव ट्यूब सेल्स थ्रू द कंपाउंड प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यहाँ पर क्या है कि इनके बीच में यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटा मिलता है जिसके थ्रू ये एक दूसरे के कंटेक्ट में कम्युनिकेशन में रहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ दीज, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। नाउ द सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म, कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वेरी डेंस है। जैसे आप देख रहे हो कि दिस इज द डेंस साइटोप्लाज्म है हमारे पास, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, दिस इज द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस फाउंड इन द कंपेनियन सेल्स। दे मेंटेन द प्रॉपर प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब सेल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ द फूड। कि एक प्रेशर ग्रेडियंट है जिसके थ्रू क्या होगा कि जो फूड है वो कंडक्ट होगा। कि यहाँ पर जब फूड आ जाएगा तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो किसके कंट्रोल में होगा? वो इन कंपेनियन सेल्स के कंट्रोल में होगा। क्यों? इसका जो न्यूक्लियस है वो जो ये हमारे पास सीव ट्यूब सेल है इसके फंक्शन, इसके प्रेशर ग्रेडियंट को वो मेंटेन करता है। चलिए, अब जो नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज अबाउट द यू कैन से पैरेन्काइमा टिश्यूज। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज दैट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। और आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये एक पैरेन्काइमा ही होता है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, विच इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द फ्लोएम, जो कि फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो सेल्स हैं दीज आर यू कैन से फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। ओके, विच आर यू कैन से लार्ज वैक्यूलिन के अंदर प्रेजेंट है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है यहाँ पे। दीज सेल्स आर फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड आर थिन वॉल्ड एंड लिविंग। ये भी सेल्स क्या हैं? लिविंग होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं। एंड इनका जो मेन फंक्शंस होते हैं, दो फंक्शन ये करते हैं, दैट मीन्स फूड स्टोरेज का काम करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं एंड उस फूड का कंडक्शन करते हैं लेटरल साइड में, लेटरल कंडक्शन ऑफ द फूड, उसमें ये हेल्प करते हैं। नाउ कम टू द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द यू कैन से फ्लोएम इज फ्लोएम फाइबर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस इज फ्लोएम फाइबर। ओके, विच इज द ओनली डेड टिश्यू, यही एक डेड टिश्यू प्रेजेंट होता है इसमें, बाकी सारे जितने भी सीव ट्यूब सेल्स हैं, ओके, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ऑल दीज थ्री यू कैन से कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम आर लिविंग। ओनली जो फ्लोएम फाइबर है इट इज नॉन लिविंग और यू कैन से डेड टिश्यू। ओके, दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम एंड दीज आर थिक वॉल्ड एलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड एंड डेड सेल्स विच पास पोसेसिज ए नैरो ल्यूमन। दैट मीन्स इन क्या करते हैं, दे पोसेसिज द नैरो ल्यूमन। तो ये क्या है, इसका ल्यूमन है। और ल्यूमन यहाँ पे कैसा होता है, नैरो ल्यूमन होता है इनका, बहुत ही स्मॉल ल्यूमन इज प्रेजेंट। नाउ दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एज वेल एज स्ट्रेंथ टू द टिश्यूज, कि जो यहाँ पर टिश्यू बना है इसको ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। चलिए, नाउ डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द फ्लोएम। जैसे कि पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं हम कि मेन हमारे पास जो फ्लोएम का फंक्शन होता है दैट इज कंडक्शन ऑफ द फूड। ऑर्गेनिक फूड इज कंडक्टेड बाय द फ्लोएम थ्रू द यू कैन से प्लांट बॉडी। प्लांट की बॉडी में यहाँ पर इस फ्लोएम के थ्रू सारा फूड सर्कुलेट होता है एंड दिस कंडक्शन अकर्स बोथ इन अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कि ये जो कंडक्शन होती है, क्योंकि आप देखिए बच्चों, जो फूड सिंथेसाइज होता है वो कहाँ हो रहा है, वो लीफ के अंदर हो रहा है, लीफ से फिर वो अपवर्ड भी जाएगा और वो डाउनवर्ड स्टोरेज टिश्यूज में भी जाता है। तो इसलिए
जो डाउनवर्ड भी जाएगा डायरेक्शन फ्रॉम द लीव्स एंड फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन टू द ग्रोइंग ऑर्गन भी, जहां पर स्टोरेज ऑर्गन है स्टोरेज ऑर्गन से ग्रोइंग ऑर्गन्स तक जाए। अब ग्रोइंग ऑर्गन्स क्या है, जैसे बड है कि बड के पास जब लीव्स नहीं होंगी तो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो वो स्टोरेज ऑर्गन होगा जहाँ से एनर्जी आएगी, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट यू कैन से फ्लावरिंग आती है और लीव्स आते हैं प्लांट्स के ऊपर। और लास्ट फंक्शन है फ्लोएम फाइबर का, कि फ्लोएम फाइबर्स आर यू कैन से कॉल्ड बास्ट फाइबर्स। बास्ट फाइबर का मतलब होता है जो हमें फाइबर देते हैं विच आर कॉमर्शली यूज्ड, ओके, रस्सियाँ बनाने के काम आते हैं और भी कई पर्पजेज के लिए काम आते हैं, लाइक जैसे हमारे पास जूट है, ठीक है ना, इस तरह हेम्प है, फ्लेक्स है, तो इनसे हमें क्या मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं जो कॉमर्शियल स्केल पे हमें इस्तेमाल करने में हमें यूजफुल रहते हैं। दीज फाइबर्स क्यों, ये स्ट्रॉन्ग फाइबर्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से फ्लोएम। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू खत्म कर लिया है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपकमिंग लेक्चर दैट इज अबाउट द यू कैन से, अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि हमारे पास जो जाइलम है और जो फ्लोएम है इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। और जब आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी लेक्चर बनता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।